ये कौन बताएगा यार जॉब कब और कहाँ होगी। Hey guys, do you want to become a cabin crew or a flight attendant or any air hostess? If yes, then this video is for you. Please stick to this video till the last. So hey guys, welcome back to new video. And in this video, we will talk about the eligibility criteria of different domestic airlines in India. And also we will learn how to apply this job and on which portal you need to go. And the most important thing is that ये कौन बताएगा यार जॉब कब और कहाँ होगी? So guys, to make you understand in a practical manner, I've prepared an Excel in which all the domestic airlines has been listed, and to just to make you understand that I have segregated into 6 to 7 parts, for example age, BMI or educational qualifications. So these are the things on which we'll be talking in an Excel, so that aapko har site par jaake na dekhna pade, aapko itna pata chal jaye ki ek airline ka itna eligibility criteria hai, ye age hai, ye BMI mang rahe hain, and wo airline ka ye age hai, ye BMI hai. So you can identify, you can just make yourself very clear. So चलिए guys, अब बिना किसी वेट के सीखते हैं एक्सेल में। पहले हम बात करेंगे एज के बारे में। लेट्स सी कौन से चीजें कॉमन है। इंडिगो, स्पाइसजेट 1827 वेरी करते, मिनिमम होनी चाहिए 18 और 27 होनी चाहिए मैक्सिमम। बट विस्तारा, अगर आप बात करो विस्तारा की, एयर इंडिया की, बोयर की, ये थोड़ा सा ज्यादा है। विस्तारा में 18 to 22 है, 18 तो मिनिमम हर में रहेगी, वेरी करेगी मैक्सिमम में। विस्तारा 32, एयर इंडिया 30, बोयर इज 30, बट एयर एशिया इज नथिंग मेंशन, तो अगर मुझे पता लग गया तो आई विल कमेंट इट विद इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो एज में सबसे ज्यादा है हमारा विस्तारा, राइट। नाउ मूविंग टू हाइट इन सेंटीमीटर्स। सो गाइस, इंडिगो इज ओनली एयरलाइन जो लड़कियों को ही लेते हैं। सो गाइस प्लीज अपनी बेइज्जती मत करवाई जाकर। सो लेट्स टॉक अबाउट द हाइट इन सेंटीमीटर्स। हाइट इन सेंटीमीटर्स आप इसको गूगल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर्स इन टू फीट एंड इंचज, राइट। सो सब जगह 155, 155, 155, बट इफ यू टॉक अबाउट एयरलाइंस गो एयर 160 इज व्हाट दे रिक्वायर, एंड एयर एशिया इज आल्सो 157, बट उसमें क्या चीज है, विदाउट शूज, तो बात आसपास 159 की आ जाती है। तो इट्स ऑलमोस्ट सेम गो एयर की तरह, राइट। तो ध्यान रखना कि गो एयर और एयर एशिया थोड़ी तो लड़कियां इस रेंज तक 160 सेंटीमीटर तक आती हैं, तो वही जाएं प्लीज, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट मेल, लड़की इंडिगो में जैसे मैं आपको बताया इट्स नॉट एप्लीकेबल, स्पाइसजेट में कहीं मेंशन नहीं होता, बट जितना मुझे पता है कि 170 सेंटीमीटर्स इज व्हाट इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज जेट एयरवेज में भी स्टैंडर्ड सेम थे, विस्तारा में भी 170 है, एंड एयर इंडिया गो एयर में 172 है गाइस, ध्यान रखिए, जो भी एयर इंडिया गो एयर की तरह ट्राई कर रहे हैं तो उसमें 172 सेंटीमीटर्स है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एयर एशिया, इट्स अगेन विदाउट शूज, बेयर फुट इसका मतलब है, एंड इसमें 169 है। तो ऑन द होल हमें पता लगा कि एयर इंडिया गो एयर एंड एयर एशिया आर ऑलमोस्ट सेम, उनको लड़के लंबे ही चाहिए। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, एज यू कैन सी इंग्लिश एंड हिंदी इज अ डोमेस्टिक एयरलाइंस, दे ऑल आर द डोमेस्टिक एयरलाइंस, सो ऑब्वियसली हिंदी इज अ मस्ट लैंग्वेज, बिकॉज हर बंदा इंग्लिश नहीं बोलता इंडिया में, राइट। सो नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, 10+2 रिक्वायर्ड फ्रॉम अ यू नो डेजिग्नेटेड, आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज, बट आप एक चीज देखिए, जो विस्तारा है, विस्तारा में 10+2 तो रिक्वायर्ड है, बट 60% मार्क्स आर क्वाइट मैंडेटरी। अब कई बंदे बोलेंगे कि मजाक कर रहे हैं, आई जानकर लिखा हुआ, बट नहीं, आई ऑल्सो वेंट वंस एंड 60% मार्क्स जिनके भी कम थे, 59.9 भी थे, उनको भी निकाला जा रहा था। तो ऑब्वियसली 10+2 करते करते बंदा कभी नहीं सोचता कि मैं एयरलाइंस में जाऊंगा या ऐसे कुछ होगा, तो इट्स नॉट राइट आई गेस, राइट। सो नॉट टॉकिंग अबाउट BMI रेंज, लड़कों की तो होगी नहीं इंडिगो में, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट नहीं, सब जगह ही सेम है, लड़कियों की 18 to 22 है और लड़कों की इट्स 18 to 25। सो मेक श्योर आप इसी रेंज में फॉल करते हो। सो अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आप अपना, अगर ऊपर है तो नीचे कर लीजिए, अगर नीचे है तो इस रेंज में ले आइए, प्लीज मेक श्योर, राइट। सो इसमें कोई भी सिफारिश या कुछ नहीं चलती, प्लीज। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिगो एंड ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होते हैं। CV, पासपोर्ट, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ऑब्वियसली हम इंडिया के रहने वाले हैं तो ऑब्वियसली यही चीजें चलेंगी। सो इंडिगो में एक चीज और है, इसमें 10th के प्रूफ भी मांगते हैं, सो मेक श्योर आप 10th के प्रूफ भी लेके जाएं, जो मार्कशीट्स हैं, एंड जो और भी चीज मांगे ना, रिकॉग्नाइज आपका एक वो आता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो भी लेके जाना आपने, राइट। सो दूसरी बात, अदर डिटेल्स पे बात करेंगे। एक तो चीज वेरी कॉमन कि आपके टैटू नहीं होने चाहिए, टैटू हो भी दे शुड नॉट बी विजिबल व्हेन यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, राइट। तो वो पहले ही जज कर लेते हैं कि इसका विजिबल तो नहीं। स्पाइसजेट में आपको कैंडिडेट्स मस्ट बी इन फॉर्मल हाफ स्लीव स्कर्ट, इसमें लड़कियों का बताया हुआ, राइट, लाइक स्कर्ट एंड स्टॉकिंग्स एंड अ वॉच इज अलाउड, एंड लड़कों की इट्स नेवर मेंशन, हमेशा लड़कियों की मैंने देखी है, लड़कों की मैं आपको, लड़कों की सेम ही होती है ब्लेजर
ट्राउजर विद विद टाई एंड ऑल, टू जो बेसिक होता है राइट, एंड नो टैटूज। हाँ, एयर इंडिया में एक चीज है गाइस, प्लीज मेक श्योर, मुझे नहीं पता लॉकडाउन के बाद सही होगा कि नहीं होगा, ये चेंज होगा कि नहीं होगा, देयर इज समथिंग 500 रुपीज व्हिच जनरल हैव टू गिव फॉर एग्जाम, एंड एससी और द शेड्यूल कास्ट डू नॉट हैव टू गिव एनीथिंग राइट। तो हाँ, गोयर में एक और चीज है कि 212 सेंटीमीटर फ्रॉम टिप टू टो, तो आपको जो होते हैं आपको उसके बाहर पे खड़े होना है, यू जस्ट नीड टू टच 212 सेंटीमीटर, दिस इज समथिंग विच इज यूज इन इंटरनेशनल एयरलाइन राइट। एंड एयर एशिया ने बोला कि मस्ट पोजेस a positive attitude with a natural ability to provide excellent service working within a team environment and dealing with people from all cultures right. So this is always required. You should be confident, you should be, you know, presentable, you should have a good command over English. So this is what it is required, and I can bet you guys you will never find this particular thing, and this will be in the description box. Please go and check and just download it and make things easier for you guys. So now let's move to the next part. सो गाइस, देयर नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि इंटरव्यू कब है और कहाँ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि आपको कभी भी किसी एयरलाइन की वेबसाइट पर नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्पाइसजेट की इंटरव्यू देनी है, आपको स्पाइसजेट एंड उसके साथ कैरियर लिखकर गूगल पे सर्च करना है, तो वो डायरेक्टली आपको स्पाइसजेट के कैरियर की लिस्ट पे ले जाएगा। सो ऐसे ही आपको किसी भी एयरलाइन, कोई भी फेवरेट एयरलाइन, एयर एशिया, एयर इंडिया, कोई भी एयरलाइन होगी, उसके आगे बस आप नाम लिखकर कैरियर लिख देना, स्ट्रेट अवे यू विल गो टू द कैरियर पेज। एंड ऑल्सो जैसे ही वहां आपको पेज पे लोड होता है, आपको क्या करना है, आपको अपने आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना है, थ्रू विच आपको नोटिफिकेशन आती रहती है टाइम टू टाइम, जिसमें आपको ये पता लग जाता है कि कब है इंटरव्यू। दिस इज अ वे व्हाट आई डिड विद कतार एयरवेज। सो आपको ऐसे ही करना है सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो द सेकंड ऑप्शन इज दैट यू कैन अपडेट योर प्रोफाइल इन द थर्ड पार्टी पोर्टल्स, फॉर एग्जांपल timesjobs.in। इसके थ्रू मुझे जेट एयरवेज का इंटरव्यू का वेन्यू एंड टाइम पता लग गया था। सो दिस मेक्स थिंग्स वेरी इजी, and I will make a different video in which आपको ये बताऊंगा कि कौन सी third party companies fake हैं, कौन सी अच्छी हैं जिसके through आपको job मिलती भी है right? उसमें आपका ID password generate करके and notification पे जरूर sign करना है, आपको text message भी आता है and आपको email पे notification भी आता है, so that it becomes very easy for you, आपको बार बार किसी को पूछना नहीं पड़ता या आपको Google पे search नहीं करना पड़ता। Third option is that you can go and join the different pages, social networking sites पर, जैसे Facebook हो गया, जैसे Insta हो गया, LinkedIn हो गया, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं आपको, जैसे पेजेस बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के, एमिरेट्स लवर, कतार केबिन क्रू प्रोग्रेस, विस्तारा, एयर एशिया, तो अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग पेजेस हैं, मैंने भी पहले भी ज्वाइन किया हुआ था। सो आपको जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डालता रहता है कि यहाँ पे इंटरव्यू है, इस कंट्री में यहाँ पे इंटरव्यू है, सो आपको बार बार देखना नहीं पड़ता। सो उसकी भी नोटिफिकेशन आप पूरे ऑन करके रखिए, सो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी चीज क्या है, जब भी आपकी इंटरव्यू होती है, आपको पता कि मेरी अगले दिन इंटरव्यू है या अगले हफ्ते इंटरव्यू है, तो आप अपना कमेंट्स डाल सकते हो, उसे पूछ सकते हो कि कोई हेल्प कर दे मुझे, क्या क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इंटरव्यू में क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। वैसे अब बारी आती है व्हाट आर द डिफरेंट इंटरव्यू राउंड्स जो आपको क्लियर करने हैं। सो वैसे मैं आपको साफ बात बताता हूँ कि इट वेरीज फ्रॉम एयरलाइंस टू एयरलाइंस, ये नहीं होता कि स्पाइसजेट में भी सेम स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिगो में भी सेम स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपको हर जगह डिफरेंट मिलेगा। सो फर्स्ट राउंड इज दैट विच इज नोन एज इंट्रोडक्टरी राउंड, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, दे सिंपली आस्क यू व्हाई यू वांट टू बी अ केबिन क्रू, वेयर आर यू फ्रॉम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन इज। सो इसमें आपका सिंपल कॉन्फिडेंस, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो मेनली इंटरव्यूज में यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। सो गाइस, अगला राउंड होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मतलब हाइट और वेट आपका डिवाइड होता है, उसका फॉर्मूला बहुत इजीली मिल जाता है, गूगल पे आप सर्च करिए बीएमआई फॉर मैन और वुमेन, आपको बहुत इजीली मिल जाता है, और आपको उसमें हाइट अपनी सेंटीमीटर्स में डालती है और वेट आपको केजीज में डालना है, तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस जो आपको गूगल पे मिल जाता है। और सेकेंडली आपका उसी राउंड में आपके हाथ चेक किए जाते हैं प्रॉपर, और आपका ये देखा जाता है कि फेस पे कोई ऐसा दाग तो नहीं है। गाइस, मार्क्स सबके होता है, कभी किसी की चोट लगी होती है, मेरे भी यहाँ पे मार्क्स हैं, इट्स फाइन। ये आपको इसलिए चेक करते हैं, अगर आप किसी के फेस पे डायरेक्टली देखते हो तो आपका फेस पे सीधा ध्यान जाना चाहिए, अगर आपका किसी एक्ने और आपका स्कार पे कहीं ध्यान चला गया, दैट मींस आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है, मींस दैट फेस इज नॉट दैट अट्रैक्टिव। सो गाइस, द नेक्स्ट राउंड कुड बी अ जीडी राउंड, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। गाइस, बहुत से लड़के लड़कियां इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है और डिबेट कैसे करनी है, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, मैं इसमें वीडियो को ज्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा। तो जीडी मींस ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको अपना पक्ष रखना होता है, आपको अपना
पॉइंट रखना होता है किसी बिना किसी को नीचे लगाए। जैसे आपको पता है जैसे डिबेट्स होती है न्यूज चैनल्स पर, कांग्रेस बीजेपी अकाली दल, है ना, तो वैसे ही लड़ाई होती है, दैट इज अ डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन। मतलब ग्रुप में बंदे बैठे होंगे, लड़का लड़की, और उसमें आपको अपना पॉइंट रखना है रैदर देन पॉइंटिंग आउट कि उसने गलत बोला है। सो आपको अपना पक्ष रखना है, राइट। सो मोस्टली 95% जो भी टॉपिक्स आते हैं वो होटल इंडस्ट्री के आते हैं। अब होटल इंडस्ट्री के क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं इंटरनेशनल एयरलाइन और डोमेस्टिक एयरलाइंस, वो सारे होटल्स के होते हैं। जितने भी सर्विस फॉलो की जाती है वो सारी होटल इंडस्ट्री की होती है। सो इसलिए प्लीज स्टिक टू ऑल द टॉपिक्स। मैं आपको बताऊंगा भी कौन से टॉपिक आते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि होटल के साथ थोड़ा सा पकड़ के रहे उसको, थोड़ा आपको थोड़ी नॉलेज रहे, राइट। अगला राउंड क्या हो सकता है, विच इज एक्सटेम्पोर। मुझे पता है बहुत से जाने होंगे जिनको ये पता नहीं होगा एक्सटेम्पोर होता क्या है। सो गाइस एक्सटेम्पोर इज वन वर्ड, सिंगल वर्ड जो आपको दिया जाता है, जो कि आपको इंटरव्यू में मोस्टली बोलना होता है फॉर 2 मिनट्स। जब से गंदी बात क्या है, आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलता। आपके जो पॉइंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, आपको जस्ट अपने एनवायरमेंट में थोड़ा सा घुमाना है अपना दिमाग, एंड आपको देखना है कि क्या क्या बोल सकते हैं। सो आपको ये देखना है कि आपको बोलना कैसे है और आपको कितने कितने में पॉज लेना है, वो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में। सो आपको जस्ट एक्सटेम्पोर के लिए भी रेडी रहना है। आपको कोई भी टॉपिक उठाना है घर पर, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली ये राउंड इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए यू नो जस्टिफाइड है, बट इंडियन एयरलाइंस में नहीं होता। बट कुछ नहीं पता होता कि थोड़ा सा इसको मुश्किल करने के लिए दे कैन ऐड दिस पर्टिकुलर राउंड। सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गिवन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। द नेक्स्ट राउंड इज और कुड बी पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू आपको जैसे पता लग रहा है कि एक वन ऑन वन इंटरव्यू होता है, उसमें चेक करते हैं कि आपका बंदा जो चुना गया है टीम से सही है, जो लड़की चुनी हुई है वो ठीक है, पैसे तो नहीं खाए, किसी के थ्रू सिफारिश तो नहीं की। तो जस्ट एक वेरिफिकेशन होता है, एंड इसमें सेम क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वेयर आर यू फ्रॉम, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये पूछे क्यों जाते हैं, जस्ट टू चेक द कमांड ओवर इंग्लिश, जस्ट टू चेक हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड ऑल्सो कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। सो गाइज अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपकी कंपनी तो बहुत दूर की बात है। सो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट करिए। लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम टू यू नो रिक्रिएट योर सेल्फ। अपने आप को ऐसी पर्सनैलिटी उभार के बाहर लाइए कि लोग देखते रह जाए। गाइज आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन विच यू विल कम टू नो कि जितनी भी एयरलाइंस इंडिया में है उसके क्या क्या राउंड्स हैं प्रॉपर सीक्वेंस में, और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एंड ऑल्सो क्या आंसर्स होंगे जो मैं आपको दूंगा। ये मेरा जस्ट अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। डोंट थिंक कि मैं आपको जो आंसर्स दूंगा कुड बी राइट कुड बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। सो आपको अपने आप को उस क्वेश्चन को मोल्ड और आंसर को मोल्ड करके बताना है। सो गाइस और वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको सैलरी बताई जाएगी, कितनी सैलरीज मिलती हैं, और आपको प्रॉपरली एक्सेल में बताऊंगा कि कितनी सैलरीज आती हैं, एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मेरे जो सैलरीज मुझे मिलती थी वो कितनी थी। सो गाइस प्लीज स्टिक टू माय चैनल सो दैट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड दैट टू प्रैक्टिकल नॉलेज। तो गाइज मैंने बहुत लोग देखे हैं, उनके दिमाग में आई कैन से चूरा या पता नहीं क्या भरा हुआ है, वो बहुत गलत सोचते हैं कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, यहाँ पे कट है। सो गाइज ये चीज़ें जस्ट एन ऑब्स्टेकल आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने के लिए। सो जस्ट आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं। सो प्लीज़ इतना मत सोचिए। तो आपका रंग नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है आप कितना ग्लो करते हो, आपकी बॉडी आपका फेस कितना अट्रैक्टिव है, आप स्लिम हो, आप परफेक्ट हो, आप इन शेप हो। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, रंग कुछ नहीं देखा जाता गाइज। सो प्लीज़ ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। ट्राई करिए कि शादी का मत ही बताइए। सी कोई भी श्योर नहीं है कि कब रिजेक्शन भी हो जाता है इसके कारण, और कभी कभी एक्सेप्टेंस भी हो जाता है। सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। तो आपको कभी भी देखना है कि आपको लगता है तो मत बताइए यार। अगर आपको बताना भी है तो आप नोटिस पीरियड खत्म करके बताइए। कभी कभी 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है एयरलाइंस में, कभी कभी 6 मंथ्स का। तो मेक श्योर प्ले स्मार्ट। आपको लगता है कि इंटरव्यू खुश है तो आपको लगता है इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यू कैन डिक्लेयर दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं यू हैव टू प्ले स्मार्ट, डोंट डिक्लेयर इट्स ओके। अगर आपकी फैमिली उस चीज के लिए फाइन है। वैसे एक बात याद रखिए, कभी भी एयरलाइन कोई चार्ज नहीं करती। कोई भी एयरलाइन ऐसी नहीं है जो आपको इंटरव्यू से पहले ही चार्ज कर ले। तो अगर कोई ऐसी कंपनी फोन करे तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रॉड है। तो गाइस कभी भी चवन्नी, कभी भी एक सिक्का एक रुपया मत देना, चाहे कितने भी बड़े अमीर हो आप, कभी भी किसी को पैसे मत देना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता। वो ट्रेनिंग के बाद आपके पैसे लेते हैं। आप कॉमर्स किया है, आपने आर्ट्स किया है, आपने नॉन मेडिकल किया है, यार आप कोई डॉक्टर हैं, सो हार्डली मैटर्स आपने क्या किया है। बिंदास जाइए, कॉन्फिडेंस लेके प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड कमांड ओवर इंग्लिश शुड बी गुड। अगर आप में ये सब खूबी है तो भाई वेट किसका है, अगली डेट देखिए और चाहिए।
तो गाइस अगर आपने वो वीडियो मिस किया है जिसमें मैंने आपको ग्रूमिंग के बारे में बताया है मेल एंड फीमेल जो मेरी फ्रेंड के साथ वीडियो थी, तो गाइस गो एंड चेक दैट वीडियो, ऊपर मैंने आपको बता दिया है एंड ऑल्सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो भी वीडियो देखिए एंड आपको सीरियसली बहुत कुछ पता लगेगा। सो गाइस दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दिस वॉज डोमेस्टिक एयरलाइंस उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट वॉज पार्ट वन। सो नेक्स्ट वीडियो विल कम द पार्ट टू द इंटरनेशनल एयरलाइंस, मैं वही एयरलाइंस की बात करूंगा इंटरनेशनली जो हम इजिली जा सकते हैं। कभी कभी इंटरनेशनल एयरलाइंस ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा, डेल्टा इज अ यूएस बेस्ड एयरलाइन, बट उसमें क्या होता है जो यूएस का बंदा है वही जा सकता है और कोई नहीं अप्लाई कर सकता। सो आई विल ओनली टेल यू दोज एयरलाइंस जिसका हम इजिली अप्रोच कर सकते हैं और जिसमें हम इजिली जा सकते हैं। ऐसे हवा में सोच के किले, हवाई किले बना के कोई फायदा नहीं, वही बात करो जो पॉसिबल है। एक हिंदी में कहावत है कि जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता पूछना ही क्यों है। एंड ऑल्सो जो मैंने आपको एक्सेल दिखाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल्सो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन, आप अपने उसको ध्यान से पढ़ सकते हो अच्छे से घर पे, क्योंकि वो मेरी चीज़ नहीं है, वो सब आपकी चीज़ है। एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव, सो मच सपोर्ट, सीरियसली इट इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड गिविंग मी अ पंप टू मेक सच गुड वीडियोज। एंड ऑल्सो आई बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट वीडियोज विच आर कमिंग अप नेक्स्ट, सो प्लीज गाइज कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, हिट द लाइक बटन, please share and also do comment below to tell me how was the video. So thank you so much guys, this was all from my side, thank you, I'll see you in the next video part 2 for the international eligibility criteria, see you till then.